हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज ये शेड्यूल से हट करके एक स्पेशल क्लास, स्पेशल सेशन लेकर के आए हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, क्योंकि आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि कमेंट में आप लोगों ने क्या हालत कर दी है मेरी, ठीक है? तो इसलिए इतना प्रेशर बनाने के बाद फाइनली वो प्रेशर आपके लिए सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्लास मुझे लानी पड़ी है वाली, तो ये किसी भी संडे के दिन या छुट्टी के दिन इसको पोस्ट कर दिया जाएगा शेड्यूल से हट करके। चलिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक जो है ये और कंजर्वेशन लॉज की तरह ही है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जितने भी कंजर्वेशन के लॉज हैं, ये सब वेरीफाई हो सकते हैं बच्चों, प्रूव नहीं हो सकते, ठीक है? ऐसा लिखा हुआ एनसीईआरटी, अगर आप पढ़ोगे तो ध्यान से, है ना? और कोई भी लॉ अगर होता है, कोई भी लॉ अगर होता है तो वो डिसप्रूव होने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए बस, यानी आपको उसको रफा दफा करना हो, उसको ठंडे बस्ते में डालना हो, तो उसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके जो ये तीन चार लॉज हैं, ये लॉज डिसप्रूव ही नहीं हो पाए, ये हमेशा प्रूव होते हैं, हर सिचुएशन के अंदर प्रूव होते हैं। तो कह दिया गया भाई हाँ, नेचर का एक लॉ ये भी है, नेचर का एक लॉ ये भी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में तो बच्चे हम लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो आपको मोमेंटम वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट बात करी है मोमेंटम के बारे में। कि मोमेंटम का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोशन में कितनी जान है, मोशन कितना कितना इंपैक्ट डाल सकता है, उसको मोमेंटम कहते हैं, है ना? और मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, और स्मॉल पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना? ये हमारा फॉर्मूला था मोमेंटम का। तो चलिए हम लोग आज इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसके अंदर, पहले तो लॉ पढ़ेंगे कि लॉ कहता क्या है, लॉ को थोड़ा सा समझेंगे, है ना, उसकी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद उसका प्रूफ देखेंगे। आपको एक बात बता देता हूं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन सुना है ना आप लोगों ने, एक्शन रिएक्शन वाला, ये उसी में से निकला हुआ है, ये उसी में से निकला हुआ, उसी में से इसको प्रूफ किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो उसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना? एक मैथमेटिकल प्रूफ, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक हम लोग पहुंचेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद एनसीईआरटी के भर भरे न्यूमेरिकल हैं, लगभग 4-5 न्यूमेरिकल हैं, कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे वो भी मैंने आज यहां पर इंक्लूड करे हैं बच्चों, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आपके सामने स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट से कुछ समझ नहीं आएगा। स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट ये कह रही है कि सम ऑफ टोटल मोमेंटा, मोमेंटा होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम्स नहीं बोलते कभी भी, समझ गए ना? मोमेंटम्स नहीं बोला जाता, जैसे इंडेक्स को इंडेक्सेस नहीं बोलते, इंडेसेस बोलते हैं ना, ऐसे ही मोमेंटम्स नहीं होता कुछ भी, मोमेंटा होता है। तो कह रहा है कि टोटल मोमेंटा दोनों बॉडीज का, कौन सी दो बॉडीज है यहां पर, यहां पर जो दो बॉडीज है बच्चों वो कोलाइड करने वाली है आपस में, क्या करने वाली है, कोलाइड करने वाली है, टक्कर होने वाली है उनकी आपस में। जब भी कभी टक्कर होगी, जब भी हमको टक्कर की स्टडी करनी होगी, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे वो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हो, या मैं अपना सर दीवार पे मार रहा हूं, या ये मार्कर जाके नीचे जमीन से टकरा के बाउंस बैक होके वापस आ रहा है, या आपने बॉल फेंक के मारी और बॉल जाकर के दीवार से टकरा के वापस आई है, या आप बिलियर्ड्स खेल रहे हो, पूल खेल रहे हो और पूल में एक बॉल जाके दूसरी बॉल से टकरा रही है, जितनी भी टक्करें हो रही हैं, चाहे मान लो आप ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सियां टकरा रही हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब जगह पर लागू होता है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब जगह पर अप्लाई होता है बच्चों, ठीक है? तो सुनेंगे अब, कह रहे हैं कि सम ऑफ टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि दो बॉडीज थी, मान लो ये एक बॉडी है दूसरी बॉडी, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, इन दोनों की आपस में टक्कर हो रही है, तो टक्कर होने से पहले के दोनों मोमेंटम का सम और टक्कर होने के बाद के दोनों मोमेंटम का सम बराबर रहता है, यानी टक्कर होने से पहले के दोनों मोमेंटम जितना थे उतना ही बाद में भी रहेंगे,
उतना ही टक्कर होने के बाद में भी रहेंगे। जितना टक्कर मारने से पहले दोनों मोमेंटम का सम था, दोनों मोमेंटा का सम था, टक्कर मारने के बाद भी दोनों मोमेंटा का सम बराबर बना रहता है, बराबर बना रहता है। एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दे दूं आपको, लाइव एग्जांपल का मतलब अभी नहीं देने वाला, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन लाइव एग्जांपल का मतलब एक जाना माना एग्जांपल जो आप डेली लाइफ के अंदर देखते हो, ऐसा कोई एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कभी आपने कोई एक्सीडेंट देखा हो या मूवी में ही कोई ना कोई एक्सीडेंट का सीन देखा हो, तो इमेजिन करना कि एक व्यक्ति, एक इंसान रोड पर जा रहा है आराम आराम से, आराम आराम से, है ना, पैदल चल के जा रहा है रोड पर आराम से, पीछे से गाड़ी आती है, पीछे से गाड़ी आती है उसको टक्कर मारती है। जब टक्कर लगेगी बच्चों, जब टक्कर लगेगी तो ये जो इंसान है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, हवा में जाएगा ना उड़ता हुआ, ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और गाड़ी की वेलोसिटी हल्की सी धीरे हो जाएगी। आप समझ रहे हो बात को? जब दोनों कोलाइड किए, जब दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, तो इसने इसको एनर्जी दी तो इसने इसको भी एनर्जी दी, दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हुई है, दोनों के बीच में थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुआ है न्यूटन का, इसने लगाया एक्शन तो उसी टाइम बंदे ने भी क्या लगा दिया, रिएक्शन लगा दिया इसके ऊपर, ना चाहते हुए भी, पता भी नहीं था कि पीछे से आके मुझे गाड़ी उड़ा जाएगी, गाड़ी उड़ा भी गई, ये उड़ भी गया, लेकिन उड़ते उड़ते मतलब टक्कर होते ही ये इसको पीछे की तरफ भी धकेल गया, पीछे की तरफ भी फोर्स लगा गया। समझ रहे हैं आप? इमेजिन करके देखना इस चीज को कि मैं क्या बोल रहा हूं। गाड़ी की स्पीड हल्की सी धीरे हो जाएगी और व्यक्ति की स्पीड तेज हो जाएगी, और ये तेज होना किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इसके मास पे। इसका मास बहुत कम है, ये जो इंसान चल रहा है इसका मास बहुत कम है, इसलिए उड़ता हुआ जाएगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ये अपनी वेलोसिटी को बहुत बढ़ा लेगा क्योंकि इसका मास बहुत कम है, तो मास इनटू वेलोसिटी को ज्यादा करने के लिए ये भागता हुआ जाएगा। अब ऐसे ही दूसरी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं हम लोग। इस बार इंसान को छोड़ दो, गाड़ी इमेजिन करो, ठीक है ना, एक नॉर्मल गाड़ी जा रही है, छोटी सी हैचबैक गाड़ी, मान लो वैगनआर जा रही है, सेंट्रो जा रही है, इस तरह की छोटी सी गाड़ी जा रही है, और पीछे से एक बड़ी सी गाड़ी आ रही है, इमेजिन करो ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, और ये गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से ट्रक आ रहा है बहुत तेज, आकर के इसने टक्कर मारी, टक्कर मारेगा तो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ेगी, जो आगे गाड़ी जा रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ट्रक की वेलोसिटी हल्की सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हल्की सी वेलोसिटी कम हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, जो इंसान था जब उसने टक्कर खाई थी तब तो वो उड़ता हुआ गया, लेकिन क्या गाड़ी भी उड़ती हो जाएगी क्या? जब ट्रक गाड़ी को टक्कर मारेगा तो गाड़ी भी उड़ती हो जाएगी हवा में क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंसान तो हवा में उड़ता हुआ गया क्योंकि इंसान का मास कम था, तो उसने वेलोसिटी ज्यादा बनाई मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास कम था तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ा, तभी मोमेंटम उतना ही बना रहा। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर गाड़ी का अच्छा खासा मास है, गाड़ी का अच्छा खासा मास है, 500 किलो, 600 किलो, 800 किलो का मास गाड़ी का है, इसलिए उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं बढ़ी जितनी इंसान की बढ़ी थी। बात समझ में आई ना? तीसरी सिचुएशन इमेजिन करना। आप एक ट्रक है, आगे भी ट्रक है, सेम कंपनी का, ठीक है, आइशर का ट्रक है, मान लो जो भी मर्जी कंपनी, हमारा अशोक लेलैंड का मान लो ट्रक है, आपने जिसके ट्रक देखे हो वो, टाटा का ट्रक देखा हो चलो, ठीक है, दो टाटा के ट्रक है, बराबर मॉडल, एक साथ निकले हैं, एक धीरे चल रहा है एक तेज चल रहा है, पीछे से आया उसने तेज टक्कर मारी उसको, पीछे से आया तेज टक्कर मारी, क्या होगा? क्या होगा? ये इसकी स्पीड को उतना नहीं बढ़ा पाएगा जितना इसने गाड़ी को बढ़ाया था या इंसान को बढ़ाया था, थोड़ा ही कम बढ़ाएगा, थोड़ा ही कम बढ़ाएगा, और इसकी स्पीड हो सकता है टक्कर खा के पीछे भी आ जाए, जब टक्कर लगे तो पीछे भी आ जाए, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब एग्जांपल्स को बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, बाकी हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है ना, जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस तरीके की हमको स्टडी करनी पड़ेगी कि पीछे आ रहा है या आगे जा रहा है या बहुत आगे जा रहा है या हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर आपको दिया, बिफोर कोलिजन, सपोज देर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, बोथ ऑब्जेक्ट कोलाइड विद ईच अदर, एक ऑब्जेक्ट एम वन मास का, एक ऑब्जेक्ट एम टू मास का, ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरफ बढ़ रहा है, टक्कर होगी, टक्कर होकर के दोनों अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है भाई, इसी को यूज करेंगे हम लोग प्रूव करने के लिए, इन सारी वैल्यूज को, M1 U1, M2 U2, M1 V1, M2 V2, इन सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे। आप यहां पर भी एग्जांपल देख सकते हो कि एक 0.1 केजी की बॉल है, ठीक है ना, 0.1 केजी यानी 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम की एक क्यू बॉल है, ये क्यू बॉल ने रेड बॉल को टक्कर मारी, क्यू बॉल ने रेड बॉल को टक्कर मारी, आप ध्यान से देखना इन दोनों के मोशन को, आप ध्यान से देखो इन दोनों के मोशन को, जितनी वेलोसिटी से चलती आ रही थी टक्कर खाते ही रुक गई लेकिन वो चल पड़ी,
उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया अगले वाले को, खुद वो रुक गई क्योंकि वो वाली पहले रुकी हुई थी। उसने इसको मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, उसका जीरो था ना, अब ये जीरो पर आ गई और ये चल रही थी ना, अब वो चलने लगी। ऐसा हो रहा है यहां पर, देखो देखो ये क्यों चली, इसने इसको मोमेंटम दे दिया। ये क्यों रुकी, इसने इसका मोमेंटम ले लिया जो रुकी हुई थी। रुकी वाली ने जो पहले रुकी हुई थी उसने बाद वाली को रोक दिया, और जो पहले चल रही थी उसने बाद वाली को चला दिया। यही होता है कंजर्वेशन मोमेंटम के, टक्कर खाने से पहले का नेट मोमेंटम दोनों का और टक्कर खाने के बाद का नेट मोमेंटम दोनों का कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा ही है ये, थोड़ा थोड़ा, लेकिन एनर्जी है नहीं है बच्चों, एनर्जी है नहीं, लेकिन एनर्जी से आप समझ सकते हो कि पहले जितनी एनर्जी उसके पास थी उसने आगे वाले को ट्रांसफर कर दी, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, समझना नहीं है, लेकिन मतलब ये रियल फैक्ट नहीं है, रियल फैक्ट तो मोमेंटम ही है। मोमेंटम की तो फील आपको लेनी ही पड़ेगी, तब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ पाएंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम प्रूफ कर रहे हैं बेटा, ठीक है, यानी एक फॉर्मूले तक पहुंचेंगे, उस फॉर्मूले को हम लोग फिर आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, देखो बच्चों, दो ऑब्जेक्ट है, एक M1 मास का, एक M2 मास का। M1 वाला U1 से चल रहा है, M2 वाला U2 से चल रहा है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली M1 वाले का वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी U1 विल बी ग्रेटर देन U2, ये होना ही चाहिए, नहीं तो कोलिजन ही नहीं होगा बच्चों। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा, कोलिजन ही नहीं होगा अगर ये धीरे चल रही होगी तो, है ना। अगर पुलिस धीरे चल रही है, चोर तेज भाग रहा है, कहीं पकड़ पाएंगे क्या, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा ही हो रहा है यहां पर भी कि ये वाला धीरे चल रहा और पीछे वाला तेज चल रहा, आए टक्कर हो गई, ठीक है ना, यहां टक्कर हो गई इस जगह पर, ठीक है ना, टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। तो कुछ टूट फूट नहीं हुई भाई, मतलब मास वास एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब मास एक दूसरे के साथ नहीं चिपका, मास टूट के गिर नहीं गया, मास कम नहीं हो गया, मास बढ़ नहीं गया, सिर्फ वेलोसिटीज के अंदर चेंज आया। हम सिर्फ ऐसे समझते हैं, वेलोसिटीज के अंदर चेंज आया, ठीक है, जो कि जनरली देखने में आता है ना। 99% केसेस के अंदर मास कम नहीं होता टक्करों के अंदर, है ना। आप दीवार से टकराते हो तो क्या आपका सर वहां रह जाता है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता ना यार, वही वाली बात है। अच्छा, अब M2 वाला जो मास है वो किसी और V2 से चल रहा है, और M1 वाला जो है वो टक्कर होने के बाद किसी V1 से चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ हुआ ऐसे, है ना। आया ये पीछे से तेज और ये थोड़ा सा धीरे हो गया, ये थोड़ा सा तेज हो गया। तो अब इस पॉइंट पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो हुआ है, टचिंग हुई है, टच हुए हैं एक दूसरे के साथ, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि जो M1 वाला है वो M2 वाले पर राइट साइड फोर्स लगाएगा, बोलो हां, और M2 वाला M1 वाले पर लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा, बोलो हां, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगी, यानी न्यूटन का कौन सा थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पर काम आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बात और, जो फोर्स इसने लगाई है ये वाली फोर्स, ये M1 की है बच्चों, ये M1 की फोर्स M2 पर है, ऐसे ही देखते हैं हमेशा फोर्सेस को, एक लगाता है दूसरे पर तो दूसरे पर फोर्स देखनी पड़ती है। ऐसे ही ये वाली जो फोर्स है ये M1 ने लगाई है, ये वाली जो फोर्स है ये M2 ने लगाई है, ये वाली इसने लगाई है और ये वाली इसने लगाई है, ऐसा हो रहा है, समझ गए ना बात को। तो मैं इस फोर्स का नाम रखता हूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स जो टू पर लगी वन के द्वारा, और इसका नाम क्या रखूंगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स जो वन पर लगी दूसरे के द्वारा, ऐसे लिखते हैं इसको, F21 और F12। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल है, आओ इस बात को लिखें कि F12 बराबर F21, इसमें कोई डाउट नहीं है हमको, पता है बात तो, कि F12 इज इक्वल टू F21, कॉमा लगा सकता हूं, नहीं भी लगा सकता, एक ही बात है, इसको 12-21 में समझ लेना, 1-2-2-1 नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, क्या ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, नहीं, पूरा ठीक नहीं है, ये वेक्टर के साथ हमेशा साइन भी आएगा, है ना, डायरेक्शन दिखाने के लिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव दे सकते हो, मैं यहां पर नेगेटिव यहां से यहां भी उछाल सकता हूं, इसका कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो मैंने यहां पर एक नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो फोर्स लग रही है F12,
ये M1 मास के ऊपर लग रही है हां या ना, इसीलिए हम लोग यहां पर M1A1 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे होता है या नहीं होता? होता है ना। तो मैंने यहां पर F12 की जगह पर क्या लिख दिया, M1A1, और यहां पर क्या लिख दिया, -M2A2। लिख सकता हूं कि नहीं, है ना, फोर्स को लिख सकता हूं मैं M1A1 और M2A2। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों, V - U / T। बोलो होता है या नहीं होता? तो बच्चों मैं एक्सेलरेशन को यानी ए को V - U / T नहीं लिख सकता क्या? तो मैं यहां पर A1 की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों, या लिखूंगा V1 - U1 / T1। सेफली लिख सकता हूं मैं इसको। ऐसे ही वहां पर A2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, -M2 V2 - U2 / T2। भाई सारे वेरिएबल आ गए ना अपने पास, M भी आ गया, V भी आ गया, U भी आ गया, T भी आ गया, चार इधर वाले आ गए और चार उधर वाले आ गए, यानी टक्कर होने से पहले वाले इस तरफ, टक्कर होने के बाद वाले इस तरफ, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, जब इस इनकी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, यानी U1 V1 हो गई होगी और U2 V2 हो गई होगी, तो इनके बीच में कोई डिले है क्या? अरे यार जब टक्कर लगी है, जब टक्कर लगी है तो इसके इसको टक्कर मारने में और इसके इसको टक्कर मारने में कोई डिले होता है क्या? क्या थर्ड लॉ डिलेड है क्या? एक्शन अभी होगा, रिएक्शन परसों होगा क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो T1 और T2 तो दोनों इक्वली हैं। सोचिए आप इस बात को, वेलोसिटी में जो चेंज आया, वेलोसिटी में जो चेंज आया वो इक्वल टाइम में आया है, वो सेम टाइम में आया है, यानी T1 और T2 को मैं काट सकता हूं, है ना, आमने सामने होकर के क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर जाकर क्या कर सकता हूं, उसको कट कर सकता हूं। अब जो बचा उसको लिख लेता हूं, जो बचा उसको लिख लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा T1 बराबर T2 ही है, ठीक है, क्योंकि कोलिजन का टाइम तो सेम ही होगा ना यार। मैंने तुमको बोला 4 बजे क्लास है, तो तुम भी 4 बजे पहुंचे हो, मैं भी 4 बजे पहुंचा हूं, तभी तो क्लास हो पाएगी। मैं बोलू 4 बजे क्लास और मैं 5 बजे पहुंचूं, तो तुम क्या बोलोगे, है ना, बोलोगे क्या, मारोगे मुझे। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है ना, जो बच गया उसको लिख लेते हैं। M1 ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, V1 - U1 बराबर -M2 V2 - U2, है ना, मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता इसको इस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। M1 V1 - U1 = -M2 V2 - U2, यही था ना यार। क्या करना है आपने, आपने M1 को मल्टीप्लाई कर देना है यहां पर भी, M1 को बेटा यहां भी मल्टीप्लाई कर दे, M1 को यहां भी मल्टीप्लाई कर दे, -M2 को यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, -M2 को यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से इक्वेशन बनेगी M1V1 - M1U1 = -M2V2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना M2U2। अब एक काम करो, सारे U वालों को एक तरफ ले आओ और सारे V वालों को एक तरफ ले जाओ। कर सकता हूं, ये मेरा -M1U1 है, उधर जाकर के हो जाएगा पॉजिटिव M1U1, ये -M2V2 है, यहां करके हो जाएगा पॉजिटिव M2V2। मतलब किसी को माइनस में नहीं छोड़ना, सबको प्लस में कर देना है। तो ये देख M1V1 ये आया यहां से, M2V2 = ये गया यहां पर M1U1, और ये ऐसे कैसा लिख दिया M2U2, ठीक है ना। जब LHS RHS के बराबर है तो भैया RHS भी तो LHS के बराबर है, यानी मैं इनको पलट के लिख सकता हूं ऐसे, और ये आपका फॉर्मूला भी बन गया बेटा, इसको इधर और इसको इधर। तो ये हो जाएगा M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2V2। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको काम आना है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे बस धड़ाधड़ स्टार्ट, ठीक है ना। ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर काम आना है। अब ये कह पता क्या रहा है, ये कह पता क्या रहा है, ये कह ये रहा है बच्चों, कह ये रहा है कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी ये वाला सीन, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी ये वाला सीन का सम इज इक्वल है, इक्वल होता है
मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी इसकी बातें प्लस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और वो भी किसकी सेकंड बॉडी की। तो ये मोमेंटम ही तो हुआ, ये भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, यानी ये क्या है बच्चों, ये है पी, पी बोले तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इनिशियल वाला प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी इनिशियल वाला बराबर होता है मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी फाइनल वाला प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी फाइनल वाला। और ये एक लॉ बन गया, इसी को कह दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के भाई टक्कर मारने से यानी इक्वल टू से इस तरफ के दोनों मोमेंटम का सम बराबर होता है टक्कर मारने के बाद के दोनों मोमेंटम के सम के, दोनों बॉडीज के मोमेंटम के सम के। यही तो था, यही तो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यानी कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं सेफली लिख सकता हूं इस चीज को कि पी आई ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी बराबर होता है फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी के और फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी के, 2-1-2-1, यानी दिस इज सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा, मोमेंटा समझते हो ना, मोमेंटम का प्लूरल, दो दो मोमेंटम है ना यहां पर, तो मोमेंटम नहीं लिख सकता मैं, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटा ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन बराबर होते हैं सम ऑफ फाइनल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टक्कर मारने के पहले के दोनों मोमेंटम का सम बराबर होता है टक्कर मारने के दोनों मोमेंटम के सम के। ठीक है ना, ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब करेंगे न्यूमेरिकल एक एक करके धड़ाधड़। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन आते हैं रिकॉइल वेलोसिटी के ऊपर, रिकॉइल वेलोसिटी समझते हो आप, वो मैंने आपको एक दिखाया था एक एनिमेशन जिसमें लड़की गोली चलाती है खुद ही पीछे गिर जाती है, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी है। ठीक है ना, आप लोग गेम वगैरह खेलते हो गए पबजी वगैरह, तो जब गोलियां चलती हैं तो उसको कस के पकड़ना पड़ता है गन को, नहीं तो वो पीछे आ जाएगी और नहीं तो लहर जाएगी बंदूक जो गोलियां हैं सारी, तो वही रिकॉइल वेलोसिटी है। अब कह रहा है कि बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, और वेलोसिटी कितने से निकल रही है 150 मीटर पर सेकंड से। मुझे एक बात बताओ, टक्कर होने से पहले यानी बंदूक के अंदर का जो मेटल होगा, जो बंदूक के अंदर का मेटल होगा वो जब गोली को मार रहा होगा पीछे से, यहां गैसेस जनरेट हो रही होंगी, गैसेस बर्न होती हैं उसकी प्रेशर से गोली आगे निकलती है, तो ये जो टक्कर दोनों के बीच में हो रही है यानी गन में और बुलेट के बीच में, पिस्टल में और बुलेट के बीच में जो टक्कर हो रही है, मान लो मैं गन आपको बना के दिखाई दूं, मान लो ये बंदूक है, इसके अंदर ये मेटल है, इस मेटल ने आकर के इसको मारना है बंदूक को, मैं बड़ी सिंपल सा स्कीमेटिक सा डायग्राम बना रहा हूं इसका, ठीक है ना, पीछे से आया और इसको टक्कर मारी और गोली कैसे निकलेगी, आगे निकलेगी, है ना, गोली आगे निकलेगी। तो बच्चों गन को M1 ले ले, गन के मास को M1 ले लो और बुलेट के मास को M2 ले लो, ठीक है, गन के मास को M1 और बुलेट के मास को M2, ठीक है। टक्कर मारने से पहले क्या ये बंदूक कहीं जा रही है, नहीं, रेस्ट पे है, ये तो हाथ में है ना, और उसके अंदर की जो गोली है वो भी किस में है, वो भी रेस्ट में, यानी बंदूक के अंदर की गोली और बंदूक दोनों टक्कर खाने से पहले तो नहीं चल रहे थे ना, जब उनके बीच में टक्कर हुई तो उससे पहले तो नहीं चल रहे थे ना, यानी U1 भी था 0, यानी गन की पहली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज U1 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज ऑल्सो 0, ये दोनों क्या है, 0 है, U1 भी 0 है, U2 भी 0 है। आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करनी है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करनी है, तो आपने फाइंड करना है बच्चों V1, दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी,
दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी है ना, वी वन, और वी टू दे रखा है आपको, वी टू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है, ठीक है 150 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है ना। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई कोलिजन तो हुआ है, कोलिजन तो हुआ है ना, और कोलिजन हुआ है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आएगा ही आएगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कौन सा वाला भैया, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, ठीक है। एम वन दिया है क्या, एम वन कितना दिया हुआ है 2 kg, ओके, मास वन आपको दिया हुआ है 2 kg, M2 भी आपको दिया हुआ 20 ग्राम, तो ग्राम को क्या करना पड़ेगा भैया, किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, क्या आ गया भैया 0.02 किलोग्राम, किलोग्राम में लाना बहुत जरूरी है, ठीक है किलोग्राम में लाना बहुत जरूरी है, अच्छा ऐसा यूनिट में होना चाहिए ना ये भैया। एम वन को पुट कर, यू वन को पुट कर, एम टू को पुट कर, यू टू को पुट कर, पहले इतना करके देखते हैं, पहले एम वन कितना है 2 इंटू यू वन कितना है बच्चों 0 प्लस एम टू कितना है 0.02 है ना, और इंटू 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस ये भी 0 इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं एम वन वी वन करते हैं, अब एम वन कितना है 2 और वी वन तो आपको फाइंड करना है, एम वन है 2 और वी वन ही है रिकॉइल वेलोसिटी, इसको वी आर लिख लू ना ताकि समझ में आ जाए भैया, यही ढूंढना है अपने को। एम टू कितना है, एम टू है 0.02 और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है बच्चों बुलेट की कितनी 150 मीटर पर सेकंड, तो यहां क्या लगा दूंगा 150 लगा दूंगा, ठीक है पॉइंट हटेगा 100 नीचे आएगा, यही 50 से काट देता हूं और 0 से 0 और ये 3 आ जाएगा निकल करके, ठीक है तो ये आ जाएगा बच्चों 2vr प्लस 3, क्या कहते हो 2vr प्लस 3, 0 प्लस 0 गिव 0, 2vr प्लस 3, अब ये 3 जाएगा इस तरफ हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 2vr, और ये 2 जाएगा इसके नीचे और ये vr बन जाएगा क्या माइनस 3 अपॉन 2 यानी माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड। कौन बताएगा बच्चों ये माइनस क्यों है, ये माइनस क्यों आ रही है, ये गन की वेलोसिटी माइनस क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि गन कहां खिसक रही होगी, पीछे खिसक रही होगी, नेगेटिव साइन शोज नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गन रिकॉइल खा रही है, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से, आया समझ में, इस तरीके से आपको करने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन थे ये। और देखते हैं, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, ये कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। मैं होमवर्क भी दूंगा आपको, सारे नहीं करवाऊंगा, 5-6 क्वेश्चन है इसके अंदर, सारे नहीं करवाऊंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। चलो सुनो बात को ध्यान से, एक गर्ल है ये री, 40 किलो की है, ये 40 kg की है, भागे जाए कितनी स्पीड से भागे जाए, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागे जाए, ठीक है। अब भागी 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 क्या हो गई, एक स्टेशनरी कार्ट पे जंप कर गई, एक स्टेशनरी कार्ट मतलब एक रेडी खड़ी थी उसके ऊपर क्या कर गई भाग के जंप कर गई उसके ऊपर, वो रुकी हुई थी पहले, रुकी हुई थी यानी उसकी उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होगी, है ना। फिर कह रहा था मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, ठीक है, और ये कितने की है, ये 3 kg की है, कार्ट पर छलांग मार के चढ़ गई। तो जब बच्चों आप भाग के आओ और एकदम से चढ़ जाओ किसी रुकी चीज पर, तो आप दोनों इकट्ठे चलने लगोगे, इमेजिन करना इस सिचुएशन को, ठीक है। एक चीज रुकी हुई है, आप भागे और ऊपर चढ़ गए, उसके ऊपर चढ़ गए तो क्या होगा, आप दोनों इकट्ठे चलने लगोगे, तो आपको वही निकालना है कि टक्कर होने के बाद ये कार्ट और इस पर चढ़ी लड़की दोनों किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं वी कॉमन, कॉमन वेलोसिटी निकालनी है आपको इसकी, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे इसको, अब आप जानते हो टक्कर हुई है दोनों के बीच में, टक्कर हुई है तो यार एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू तो करना पड़ेगा। ये एम वन है मान लिया मैंने, गर्ल को 1 मान लिया और काट को 2 मान लिया, M1 40 kg, M2 3 kg, U1 कितना है, पहले किस वेलोसिटी से चल रही थी, 5 से, U2 कितना है, U2 तो 0 है, वो तो रुकी हुई थी, टक्कर मार करके दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई ना यार, टक्कर मार के दोनों की वेलोसिटी तो कॉमन हो गई, यानी जिस वेलोसिटी से ये चल रही उसी वेलोसिटी से ये भी चल रही,
यानी यहां पर v1 v2 की जगह पर, सुनना ध्यान से बात को मेरी, v1 v2 की जगह पर मैं सिर्फ यहां vc लिख सकता हूं, vc, इसी को तो बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी। और ये कॉमन आ भी जाएगी, ये देखो कॉमन भी आ गई है, ये कॉमन भी आ गई, vc m1 प्लस m2, दोनों मास जुड़ गए ना, अब दोनों मास जुड़ गए, m1 m2 पर बैठ गया जाकर के, m1 m2 जुड़ गया और दोनों एक बराबर वेलोसिटी चल रहे हैं vc से। जो जो चीजें दी हुई है सबको पुट कर देता हूं फटाफट से, ठीक है, सब चीजों को पुट कर दिया जाए। मास कितना है बेटा पहले वाला 40, u1 कितना है भैया 5, m2 कितना है जितना भी हो वो तो 0 ही होना है, ठीक है ना। और यहां m1 m2 की जगह पर मैं 40 + 3 43 लिख लेता हूं, है ना, 43 vc इज इक्वल टू 0 प्लस 4 × 5 = 20 200। बच्चों vc निकल के आ गया यहां से 200 डिवाइड बाय 43, ठीक है ना। तो ये 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 4 पॉइंट कुछ आएगा, ये आप निकाल करके देखना, ठीक है। तो और आगे मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो भी आए मीटर पर सेकंड में, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो हॉकी प्लेयर हैं अलग अलग टीम के, आए और एक दूसरे से भिड़ गए, एंटैंगल हो गए एक दूसरे के अंदर, ठीक है, उलझ गए एक दूसरे के अंदर। वन हैज मास ऑफ 60 kg मूविंग विद 5 m/s व्हाइल द अदर हैज मास ऑफ 55 kg एंड वाज मूविंग फास्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 m/s टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटैंगल्ड। आपने एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है, कमेंट के अंदर लिखना है, लेकिन मैं इसका हिंट जरूर दूंगा आपको, ठीक है, हिंट के बिना काम नहीं चलेगा। तो एक हॉकी प्लेयर है ऐसे भागता आ रहा है, दूसरा हॉकी प्लेयर है ऐसे भागता आ रहा है, ठीक है जी, एक ग्रीन और एक येलो, दोनों का, अच्छा दोनों का मास नहीं, एक का मास 60 kg एक का मास 55 kg है, ठीक है, इसका 55 kg है, m2 का मास और m1 का मास कितना लेंगे आप 60 kg लेंगे, ठीक है। ये इस तरफ जा रहा है 5 की स्पीड से बच्चों, ध्यान देना आप बात को, ये इस तरफ जा रहा है 5 m/s की स्पीड से और ये इस तरफ आ रहा है 6 m/s की स्पीड से, जी नहीं माइनस 6 m/s से इसको लेना पड़ेगा। सोचना और समझना इस बात को, क्योंकि आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो दूसरी क्वांटिटी क्या माननी पड़ेगी आपको, नेगेटिव माननी पड़ेगी, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन आपको माननी पड़ेगी। अभी दोनों उलझ गए हैं, ठीक है, और उलझ करके किस वेलोसिटी से किस दिशा में जाएंगे आपको यह निकालना है, ठीक है, ट्राई करना है इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है। U1 और U2 दिया हुआ है, M1 M2 दिया हुआ है, V1 V2 फाइंड करना है, इसको ट्राई करना करने की, ठीक है, डायरेक्शन और वेलोसिटी निकालने की कोशिश करना। चलते हैं आगे, होमवर्क क्वेश्चन था ये। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 g इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 35 m/s कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ये जो इनिशियल शब्द लिखा हुआ ना, इसने बड़े बच्चे कंफ्यूज कर रखे हैं भाई, इसने बड़े बच्चे कंफ्यूज कर रखे हैं। इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी का क्या मतलब है, रिकॉइल वेलोसिटी ही पूछ रहा है वो। इनिशियल सुन करके बच्चे समझते हैं सर इसको कहीं U2 तो नहीं लेना हमने, नहीं बेटा, U2 या U1 नहीं लेना इसको, बुलेट भी अंदर रुकी हुई है और गन भी रुकी हुई है, दोनों रुके हुए हैं। रिकॉइल वेलोसिटी का जब भी रिकॉइल वेलोसिटी का क्वेश्चन आए ना आप U1 और U2 0 ले लेना सेफली, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वाली मैडम नाराज नहीं होगी, U1 U2 को 0 ले लेना सेफली। फिर आपको मास 1 दिया हुआ है 4 kg और मास 2 दिया हुआ है 50 g, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स के अंदर, जो कि आप अच्छे से जानते हो कैसे करना है, और विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 m/s। यानी ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल तो दोनों 0 है, दोनों रुके हुए हैं, है ना, ऐसे ही मानना, ऐसे ही समझना चीजों को, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी दे रखी है बच्चों बुलेट की, यानी ये दे रखा है v2, दिस इज v2, और आपसे पता है क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है v1, v1 निकालिए रिकॉइल वेलोसिटी का, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और जो कुछ पुट करना हो इसमें पुट करके आप लोग आंसर लिखेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है जी। तो ये भी आपका गृह कार्य है, ठीक है, घर पे करना, घर से करना। सिमिलर क्वेश्चन था, ये सिमिलर नहीं है तो ये मैं करवाऊंगा।
An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. सुनना बच्चों ध्यान से. एक ऑब्जेक्ट है 1 किलो का. मान लो कुछ ऐसा दिखता है ये 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, चलता चला आ रहा है और आ करके एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक में आके घुस गया. एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ था बड़ा सा, कितने किलो का? 5 किलो का. एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ था, उसमें आया और धस गया जा करके. उसमें आया और जा करके धस गया, ये 1 किलो का ब्लॉक अंदर जाके धस गया उसके अंदर. ठीक है, फिर पता क्या हुआ? फिर दोनों ना एक ही स्पीड से चलने लगे. ऐसा होगा ना? आप सोचो कोई एक चीज है, उसके ऊपर आपने गोली मारी और वो गोली अंदर जाके धस गई. अब फिर वो दोनों एक ही स्पीड से चलने लगे, दोनों एक ही स्पीड. तो ये है वो कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये. आप अगर मेरी बात समझ रहे हो तो ये कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है. आओ देखें गिवन क्या क्या है. भैया हमारे पास 6 वेरिएबल होते हैं, m1 m2 u1 u2 और v1 v2. इसके अलावा कोई सातवां तो नहीं होता ना? आप चेक कर लो क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया. हम निकालेंगे क्वेश्चन से और आंसर आ जाएगा. मास 1 कितना है, इसी को मान ले 1 kg. मास 2 कितना है, 5 kg. u1 कितना है, ये किस वेलोसिटी से चल रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और एक स्टेशनरी ब्लॉक में घुस गया, नहीं है, रुका हुआ था, है ना. u2 0 लेंगे और v1 और v2 दोनों कॉमन है बच्चों, है ना, एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं दोनों. तो v1 भी वही है, v2 भी वही है, यानी ये कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है. हमने किया हुआ है पहले, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा अजीब था इसलिए मैंने आपको करने दिया मतलब ये. तो ये कॉमन वेलोसिटी है बेटा, v1 भी vc और v2 भी vc. m1 u1 plus m2 u2 बराबर m1 v1 plus m2 v2. यही करेंगे. m1 को पुट कर जरा 1, u1 को पुट कर बेटा 10, m2 को पुट कर बेटा 5 और u2 हो जाएगा 0 बराबर vc कॉमन आ जाएगा ना. यहां भी vc होगा, यहां भी vc, vc कॉमन आ गया. m1 और m2 को जोड़ दे, m1 m2 कितना जुड़ेगा, 6 बन जाएगा जोड़ करके, 1 plus 5, ठीक है ना. ये हो जाएगा 10 प्लस 0 इज इक्वल टू vc इंटू 5 और vc यहां से आ गया 10/5, जो कि कटेगा तो आएगा 2 meter per second. ठीक है, तो किससे चल पड़ेंगे दोनों? ये दोनों इकट्ठे होकर चल पड़ेंगे 2 meter per second से. ये सिस्टम है, ये आएगी कॉमन वेलोसिटी. तो बच्चों ये एक सिक्स्थ क्वेश्चन और है. 10 ग्राम की एक बुलेट ट्रेवल कर रही है 200 मीटर पर सेकंड से और स्ट्राइक कर रही है और अंदर ही रह गई, धस गई. रिमेन्स एम्बेडेड का मतलब होता है अंदर ही धस जाना. तो धस गई अंदर जाकर के एक 2 kg के टारगेट के अंदर. यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये बच्चों, कि 2 किलो का एक टारगेट है, उसके अंदर 10 ग्राम की बुलेट जाकर के, ये 10 ग्राम की बुलेट है, 10 ग्राम की बुलेट जाकर के धस गई अंदर ऐसे. ये भी कॉमन वेलोसिटी का ही क्वेश्चन है बच्चों. ये 10 ग्राम की बुलेट अंदर जाकर के इसके धस चुकी है, ठीक है ना. तो कह रहा है कि जो पहले तो रेस्ट में था, ओरिजिनली वॉज एट रेस्ट, पहले तो ये रेस्ट पर था और ये चल रही थी 200 मीटर पर सेकंड, क्योंकि गोली है ना भाई, गोली तो चल के ही आएगी, और ये रुका हुआ था टारगेट, ठीक है. लेकिन फ्री टू मूव है, यानी ये पीछे खिसक सकता है. अगर आकर के इसमें घुस जाएगी तो दोनों इकट्ठे होकर के, ये दोनों इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन वेलोसिटी बन करके ना और आगे बढ़ने लगेंगे. तो आपको वही कॉमन वेलोसिटी यहां पर निकालनी है. तो कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है. m1 m2 u1 u2 v1 v2. मास 1 कितना है भैया, 10 ग्राम. कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझको, है ना. पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0.01 किलोग्राम ये मास आएगा केजी के अंदर बुलेट का. 2 किलो का वो मास है, 2 kg का वो मास है. u1 कितने से बुलेट चलती आ रही है, अगर इसको मैंने फर्स्ट बॉडी माना और इसको मैंने सेकंड बॉडी माना, तो u1 इसको लूंगा ना 200 मीटर पर सेकंड से चलती आ रही है और ये रुकी हुई थी, तो ये 0 मीटर पर सेकंड पर है, ठीक है. अब दोनों की कॉमन वेलोसिटी होने वाली, यानी ये भी vc है और ये भी vc है और इसी vc को तो हमने फाइंड करना है. तो लगाओ जी, क्या m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2. पुट करते जाओ, जो जो दिया हुआ है तुमको, m1 दिया है पुट कर दो जी, 0.01. u1 कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, पुट कर दो जी. प्लस m2 कितना दिया हुआ है जी, 2 kg और ये रुका हुआ था, तो 0. ऐसे ही यहां से कॉमन वेलोसिटी निकल के आ जाएगी और दोनों ऐड हो जाएंगे. तो ऐड होने के लिए
क्या क्या ऐड होगा, 2 और 0.01 ऐड हो गए, तो ये बन जाएगा 2.01। ऐड करने पड़ेंगे ना यार, कॉमन वेलोसिटी निकाल करके ऐड करने पड़ेंगे, तो ऐड हो जाएंगे ये। अब पॉइंट हटेगा, 100 नीचे आएगा, उससे ये 100 कट जाएगा, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू वीसी 2.01, और ये 2.01 जाएगा डिवाइड में, और यहां से वीसी आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2.01, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 201, लगभग एक ही है ये 1 ही है, ऑलमोस्ट 200 डिवाइड बाय 200 ही है, या फिर आप इसको 1.9 मानना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, 1.99 ऐसे करके कुछ आ जाएगा ये, तो लगभग ये सॉरी 0.99 गलती से बोल दिया, ठीक है, ये 200 बाय 200 ही है वैसे, तो मैं इसको तो ऑलमोस्ट 1 मीटर पर सेकेंड ही लिखना प्रेफर करूंगा, है ना, बाकी स्कूल वाली मैम से पूछ लेना, नाराज ना हो तो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिर काफी है इतना ही, है ना, हम लोग ये स्पेशल सेशन लेकर के आए थे स्पेशल डिमांड पर, और भी कुछ स्पेशल डिमांड अगर आपकी हो तो भैया बता देना हम लोगों को, ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगली बार, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।